बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 75 साल लगाकर इसराइल ने पूरी दुनिया भर से अपने लोगों को नस्लें चेक कर करके कोई अमेरिका से, कोई कनाडा से, कोई जर्मनी से बुलाया और आकर कहा कि तुम लोग चुके यहूदी हो और आओ और आकर तुम लोग अपने अबाओ जदाद के मुल्क में रहो, इसराइल। आप मनाजिर देखिए, आपने जिंदगी में नहीं कभी सोचा होगा और ना इसराइलियों ने सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि इसराइल के अंदर लोग छोड़ छोड़ कर जाएंगे। ये एक सिंपल सी एक मिसाल है एक फैमिली की। ये फैमिली अमेरिका से आई थी, इनके पास अमेरिका का पासपोर्ट था और अब ये परमानेंटली इसराइल छोड़ कर जा रहे हैं। और इस तरह के बेशुमार आप देखें तो बड़े बड़े ख़ानदान जो है, बड़ी तादाद के अंदर लोग इसराइल छोड़ कर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने यहाँ पर नहीं रहना, क्योंकि वो बड़ी शदीद मुखालफत कर रहे हैं। ये बहुत सारे इनमें से जो अक्सरियत है वो सेकुलर है, मजहबी नहीं है, और उन्होंने कहा है कि हमारी फौज नाकाम हो चुकी है, हमारे तमाम इदारे नाकाम हो चुके हैं, ना वो हमारी हिफाजत कर सकते हैं, हम या महफूज नहीं हैं, ना हमें हमास से बचा सकते हैं। और ये उनका लैंड लेने की कोशिश करें, उनकी ज़मीन हड़प रहे हैं, वो रिएक्शन के तौर पर इनको मार रहे, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। आप ये देखें कि जिस तरह ये लोग यहाँ पर आए थे, इतनी मेहनत इसराइल ने की थी और अब जहाज़ों में बैठकर इनका जो सफ़र वापसी का, और इंटरेस्टिंग मामला ये है कि इन लोगों ने वापसी की टिकट ही नहीं कराई, यानी वन वे टिकट है, रिटर्न टिकट ही नहीं कराई। अब हुआ क्या है, ये इतना ज़्यादा मामला कि पैनिक क्यों फैला? इसराइल को तो छोड़िए, अमरीका इस वक्त अपना MQ-9 रिपर ड्रोन्स गजा के ऊपर, आप अंदाज़ा कर लें ज़रा, अमरीका ये दुनिया को कहता है, ये गजा के ऊपर इस ड्रोन उड़ा रहा है और उस ड्रोन से स्कैनिंग कर रहा है नीचे, क्योंकि इसराइल की फोर्सेस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। देखिए कल ये जो वीडियो आई है, उस वीडियो ने तो इसराइल की धज्जियां उड़ा कर रखती है। किस तरह एक जंगजू निकलता है सुरंग से, टनल से निकलता है, और वो जाकर एक बारूद भरी डिवाइस जाकर जिस तरह इसराइल के टैंक पर रखाया है और उसके बाद वो पीछे चला आया, वो सारी दुनिया ने देखा इसराइल की फोर्स कितनी बुरी तरह नाकाम हुई है। अब आप बताइए कि वहाँ पर जब उनकी फौज ये नहीं बचा पा रही, लोगों को मैनेज नहीं कर पा रही, वो कह रहे हैं कि इस तरह की लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता। अब सबसे बड़ा इशू ये पड़ा है, ये मनाजिर जब उन्होंने देखे कि टैंक तबाह हो रहे हैं, उनके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि असल में हमने इसराइल के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो ये समझती है कि हमें गजा के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहिए, हमें रहना चाहिए, लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनका बिलीव ये है कि जब वो रिएक्ट करते हैं, उनको अब तस्वीरें जो आ रही इसराइल के अंदर, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने एहतजाज किए, इन्होंने उनको जेलों में डाल दिया। वो कह रहे हैं कि हम वापस जा रहे हैं अपने मुल्कों में, कोई अमरीका से आया है, कोई बरतानिया से आया है, कोई जर्मनी से आया। अब इस सारी सूरत हाल में अमरीका इनकी मदद कर रहा है, लेकिन अमरीका से भी ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा। ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमास के लोग जंगजू आते हैं और उठकर निकलकर जाकर वो टैंक के ऊपर डिवाइसेस रखते हैं, तो इतनी हिम्मत उनके अंदर है, तो इसका मतलब है कि वो लड़ाई किसी मकसद के लिए लड़े। हमने उनके बड़ों के साथ बड़ा जुल्म किया, उनके लोगों को मारा, उनकी बिल्डिंग्स तबाह की, उनके बच्चों को मारा है, तो अब वो रिएक्शन के तौर पर अपनी जान की परवाह किए बगैर जा रहे हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर उनको सबसे बड़ा जो खतरा है इसराइल के अंदर, आप ये देखें फौज के अंदर उनके इस्तीफे आना शुरू हो गए। वो कह रहे हैं जी हमने जाना है, जिस तरह लोग धड़े मार मार कर रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारे लोगों को आप लोगों ने मरवा दिया है, यानी वो इतना धड़े मार मार कर रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैनेज ही नहीं हो पाया आपसे, आप मैनेज करने के काबिल ही नहीं हो, फौज अपने लोगों को बचा नहीं पा रही, हमें वो कहाँ से बचाएंगे। और आप लोग कहते हो आप दुनिया की ताकतवर तरीन फोर्स हो, आपने दुनिया का, ये कहते हैं कि दुनिया के हम चौथे सबसे खुश लोगों में से है। जब आप दुनिया के लैंड पर जाकर लोगों के घरों पर कब्जा करोगे, आपको बैठे बैठाए घर मिल जाएगा, ज़मीन मिल जाएगा, आपको अमेरिका से एड मिल जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा, कमाने की आपको फिक्र नहीं है, तो खुश नहीं होगे तो आप और क्या होगा। अब यहाँ जो असल कहानी शुरू हुई है वो इसराइल के लिए टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। दुनिया के अंदर बड़ी तादाद के अंदर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग इस वक्त बेजार खड़े हैं। वो ये समझते हैं कि इसराइल ने बड़ा जुल्म कर लिया, अब इसराइल को रोकना पड़ेगा, और इस चीज़ के अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों शामिल हैं। देखिए रोज इसराइल की इतनी बड़ी तादाद के अंदर फौज के जो लोग हैं, जिनकी बटालियन है, वो तबाह हो रही है। अब ये मजीद आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं इनको देखिए, मजीद चार जो इसराइल की फोर्सेस हैं, यानी जो फौज हैं उनके जो अहम तरीन सोल्जर्स हैं, वो मारे गए हैं।
अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला शुरू हुआ है कि हमास के तर्जुमान ने यह बात की है, उन्होंने कहा है कि हमने इतना नुकसान इनका किया, उन्होंने कहा कि हमने 20-25 के करीब उन्होंने टैंक्स गाड़ियां तबाह किया और हर एक में 4-4, 5-5 के करीब इनके फौजी थे। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर, वो कह रहे हैं डेली बेसिस पर हम इनको मारे हैं। असल में सबसे बड़ा इसराइल के अंदर ये लोग जो छोड़कर जा रहे हैं उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हिजबुल्ला जंग छेड़ने वाली है। अब हिजबुल्ला की जानिब से अगर जंग छिड़ती है, और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी बार बार वहां के लोग जो है वो कह रहे हैं, इनको गुस्सा उनको आया हुआ है कि आप लोग क्यों रिएक्ट नहीं करते, आप लोग क्यों फौजें नहीं भेजते, आप लोग क्यों इसराइल का हाथ नहीं रोकते, क्यों उसका जुल्म होने दे रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में किसी ना, इवन कि आप देख लें अर्दुगान ने किसी ना किसी वजह से आके एक लम्हे के लिए बात कह ही दी है ना कि जी हम भी निकल जाएंगे फौजें लेकर और सारा कुछ लेकर अगर सारे आ जाए। इस वक्त प्रेशर बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया के ऊपर कि इसराइल को रोकना है। अब आप ये सोचें कितनी देर तक ये लोग वापस आएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता इनका। जिनके लोग मारे गए हैं, फौज के लोग मारे जा रहे हैं, ये जंग रुकने का नाम, देखिए एक बात ज़हन में रख लें, ये लड़ाई कम से कम ये लड़ाई बहुत बड़ी तादाद में भी अगर आप देख लें कि अगर ये शुरू हो जाती है इसमें सारे ममालिक इन्वॉल्व होते हैं, ये तो ये 8-10 साल तक भी लड़ाई जारी रह सकती है। तो इसराइल के अंदर लोग कहेंगे असल में वो पूरी दुनिया के अंदर रह रहे थे, किसी के पास अमरीकी नेशनैलिटी थी, किसी के पास कोई नेशनैलिटी थी, वो सारे दुनिया भर में रह रहे थे। तो जब दुनिया भर में वो रह रहे थे और उसके बाद वो इसराइल आए हैं सब कुछ छोड़कर, तो वो कह रहे हैं कि हम मिसाइलों की रेंज में हैं, कभी पता चलता है। कल तो इसराइल के अंदर सूरत हाल ये थी कि वहाँ पर मिसाइल गिरे हैं और मिसाइल डिफरेंट जगहों पर गिरे हैं, इवन के कैफेज में गिरे हैं, रेस्टोरेंट्स में गिरे हैं, और इवन के उनकी पार्किंग लॉट में गिरे हैं, यानी आप सोच रहे गाड़ियों पर गिरे हैं। वो कह रहे हैं फोर्सेस मुकम्मल हमारी नाकाम हो गई हैं, उनसे मैनेज नहीं हो रहा, और हमें रोज़ आकर कहते हैं हमने 1000 मार दिए हमास के लोग, हमें 2000 मार दिए। वो कहते हैं कि जब हम देखते हैं तो मार ये बच्चों को रहे हैं। असल में प्रॉब्लम ये हो रही है पूरी दुनिया के अंदर इनके जो लोग बसते हैं उनके खिलाफ नफरत पैदा हो रही है, सारी नफरत उनके खिलाफ हो रही है। किसी को पता चलता है इसका ताल्लुक पीछे से इनके मजहब से, इनकी नस्ल से, तो वो उनको गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है कि तुम लोग देखो वहां पर क्या जुल्म कर रहे हो। इसराइल के खिलाफ इस दफा नफरत इतनी बड़ी है, देखिए इस दफा ये बात नहीं है कि अमरीका ने उसको मैनेज किया हुआ है, असल बात यह है कि 57 इस्लामिक मुल्क खामोश है। ये इसराइल की असल में एक ताकत है कि उसने इतना मैनेज किया हुआ है कि कोई भी उनको आगे बढ़कर कुछ करने को तैयार नहीं। अब सिर्फ सारी नजरें जिस जानिब है वो ये देखा जा रहा है कि इसराइल की इस फोर्सेस जो है वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। वो कह रही हैं कि असल नसरुल्ला की तकरीर के बाद हम देखेंगे हमने आगे रिएक्शन क्या देना है, फिर वो ऐलान क्या करता है। अगर वो इस जंग में कूद पड़ते हैं तो समझ लीजिए कि सारे फिर कूदेंगे, फिर आप जेन में रख लें भाई सारे कूदेंगे, क्योंकि अमरीका भी कूदेगा। इवन कि कल जो बाइडेन ने यहाँ तक कहा कि कुछ अरसे के लिए जंग को रोक दें, उन्होंने इसराइल की पोजीशन को देखते हुए कहा है कि आपकी वो जाती है और मार खा कर आ जाती है, गाड़ियां तबाह हो रही है, आपके पास आयरन डोम के लिए मिसाइल खत्म होना शुरू हो गए हैं। उनके पास अभी 1.5 लाख के करीब मिसाइल है, 8000 के करीब डेली बेसिस पर आप कर मारेंगे। और अब जो सूरत हाल हो रही है इसराइल में बहुत सारी चीज़ें नाकाम हो रही हैं। देखिए मिसाइल जो हैं 8000 में से अगर 1000 भी लग गया इसराइल के डिफरेंट शहरों में जाकर, तो फिर आप ये समझ लीजिए उनका बचना कुछ भी नहीं है। यानी वो इतना पैनिक है कि पूरी दुनिया के अंदर खौफ ये फैल रहा है। ये लोग जहाँ से आए थे अब वो कह रहे हैं जी हम वापस जाएंगे। एक काम इन लोगों ने सबने किया, इन्होंने अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, जहाँ से आए थे इन्होंने उनकी नेशनैलिटीज़ को सरेंडर नहीं किया। इन सब के पास मोस्टली डुअल नेशनैलिटीज़ है, यानी इसराइल की नेशनैलिटी भी है और अमेरिका की भी है, इवन के रशिया की नेशनैलिटी है और इसराइल की भी है साथ, यानी इसराइल की और साथ जितने ममालिक से आए हैं इन सब की नेशनैलिटीज़ भी है। तो उनको ये लगता है कि हमने यहाँ पर आकर गलती की है, ये लोग तो लड़ाई, यानी असल में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो इनको रोक रहे हैं कि तुम लोगों को काम क्या है, तुम लोगों को क्यों उनकी ज़मीन हड़प करने का इतना है, गजा के अंदर वो रह रहे हैं तो रहने दे, हम यहाँ पर रह रहे हैं तो हम रहने दे, हमें क्या मसला है। लेकिन वो कहना जी नहीं हमने इनको निकालना है, हमारी वो पेशेंट हो गया, हमने फलाना करना। असल में इसराइल के अंदर लोगों को नज़र आ रहा है वो एयरपोर्ट की तरफ इसलिए भाग रहे हैं, उनको अंदाज़ा हो चला है इस बात का कि ये जंग बहुत बड़ी है। और वो कह रहे हैं कि अगर सारे इस्लामिक ममालिक हम पर चढ़ दौड़े, और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग जो मुस्लिम हैं वो नहीं, गैर मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर आए हुए हैं इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीन की सपोर्ट में। जितना इसराइल ने इस दफ़ा मारा है फ़लस्तीनियों को, आम लोगों को, वो तारीख में कभी नहीं मारा होगा। आप सोचिए ज़रा जितना प्रोपेगेंडा इसराइल का अपना काम हुआ है, माजी में अगर सोशल मीडिया होता ये चीज़ें होती तो तब तक तो क्या सूरत हाल हो जाती है। तो दुनिया को बताते हैं जी हम बड़े अमन वाले हैं, वो फलाना ही,
यानी आप लोगों ने देख लिया, होता ये है जैसे उनके कल अब मिसाल के तौर पर दोबारा कुछ 40-50 के करीब फौजी मारे गए हैं, तो जब उनके फौजी मारे गए हैं तो बदला जाकर लेते हैं, फलस्तीनियों से उनकी बिल्डिंगें गिरा देते हैं, उनको मिसाइल मारते हैं और वो सारे ज़मीन पर जाकर यानी ज़मीन के अंदर ही धंस दिए जाते हैं। ऐसे ऐसे मनाजिर आ रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को नहीं निकाल पाए। इन मनाजिर ने लोगों को डिप्रेशन में मुबतला कर दिया है और वह शदीद इसराइल के खिलाफ गुस्से में है और आज से पहले कभी इतना गुस्सा देखा ही नहीं गया। देखिए इस वक्त इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर और ये तमाम लोग कह रहे हैं जी हम जो मर्जी करें, हमने इनको मारना है, इनके पास ऑप्शन है कि ये सरेंडर कर दे, ये फलाना कर दे, ये कर दे। असल कहानी इस वक्त ये है कि इसराइल दुनिया की सपोर्ट तेज़ी के साथ खो रहा है। इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको कोई मिलने को तैयार नहीं है और इनके सफीरों को लोग निकाल रहे हैं, उनसे ताल्लुकात मुनक़ता कर रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि ये इस काबिल ही नहीं है। असल में सबसे बड़ा इशू ये है कि इन्होंने ये जो हमास के लीडर हैं, ये आप देखें कि आपने ज़िंदगी में कभी ऐसा सीन नहीं देखा होगा कि वो अपनी जान जो है वो हथेली पर रखकर जाकर वो वहाँ पर एक डिवाइस लगाए। उसकी वजह क्या, वो ये कहते हैं, क्लेम करते हैं कि जी इन लोगों ने हमारे बड़ों को मारा था, जब बच्चे थे इनके बड़ों को मार दिया था, तो अब वो इंतकाम ले रहे हैं और उनके लिए मौत का खौफ ही ख़त्म हो गया। वो ये नहीं, ये समझते हैं कि हमें मौत का खौफ ही नहीं है, तो जब मौत का खौफ उनको है नहीं, उनके बड़ों को मार दिया, उनके घर वालों को मार दिया, जब आप लोगों को उठाकर ले जाएं, एजेंसियां रात को अगवा करके ले जाएं, आप किसी का बाप उठा ले, किसी की माँ उठा ले, तो उस बच्चे ने तो बदला लेना है। और यही सूरत हाल इसराइल की एजेंसियां उठा कर ले गई थी और लोगों को मारा भी है। अब वो कह रहे हैं कि जी जो पीछे रह गए थे उन्होंने बदला लेना है और वो हर टाइम लड़ने को तैयार है। सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये है जो वहाँ पर लोग भी छोड़कर जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कभी ऐसा हुआ नहीं था कि इसराइल ग्राउंड पर ऑपरेशन करने के लिए जाए, कभी जिंदगी में नहीं। हमास ये समझती है कि हमारे लिए एक किस्मत का दरवाज़ा खुल गया है कि अब ये हमारे आमने सामने आ गए, पहले ऐसा होता नहीं। कल इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए कि हमास के तर्जुमान ने कहा है कि जीरो डिस्टेंस होता बिल्कुल आमने सामने, उन्होंने कहा कि हमने जीरो डिस्टेंस से जाकर इसराइल के फोर्सेज को हमने मारा। इसीलिए तो आप अंदाज़ा कर लेना, फूट फूट कर वो लोग रो रहे हैं, वो देख रहे हैं उनके जनाजे पड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इतनी बुरी तरह हम लोग मर रहे हैं, फौज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, और बहुत बड़ी तादाद के अंदर ऐसे लोग हैं जो बाहर पढ़ने के लिए गए थे, उनको वापस बुलाया इसराइल ने कि नहीं मुल्क के अंदर जंग लड़ी हुई है, तुम लोग वापस आओ। यानी इस वक्त बहुत बड़ी तादाद के अंदर आप सोचिए अगर लोग यहाँ पर छोड़ कर जा रहे हैं फलस्तीनियों को, आपने कभी ज़िंदगी में सोचा है या देखा है कि वो सोच कर इस बात को निगलेक्ट कर दे और कहें जी हमने छोड़कर जाना है? कभी जिंदगी में आपने देखा? वो कहते हैं जी हम मर जाएंगे, जो मर्जी होगा, ये हमारा लैंड है। जो लोग आए ही बाहर से हैं, जो लोग रहते अमेरिका में थे या वलानी जगह पर थे, वो क्यों आएंगे यहाँ पर? आप बताइए ना, ये सारे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं ना, वो इसीलिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसराइल तो मैनेज करने में नाकाम रहा। यही बात तो सबसे बड़ी उनके लिए खतरे का बाइस है। वो कह रहे हैं कि अब तक की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि हम लोग इसराइल की फौज को इतना टैक्स देते हैं, इतना बजट जाता है, इनकी एजेंसियां नाकाम है, अमन कायम करने में नाकाम है, इनकी एजेंसियां फलस्तीनियों को रातों को उठा लेती हैं, किसी का बाप उठा ले, किसी की माँ उठा ले, किसी को मार दिया, वो फिर आगे से बदला लेती हैं, फौज नाकाम है, एयरफोर्स नाकाम है, अपने फौजियों को ये बचा नहीं पा रहे, तो हमें कहाँ से ये लोग बचाएंगे जाकर? जब हमें ये बचा नहीं पा रहे तो हमारा यहाँ पर रहने का कोई जवाब बनता है? देखिए दुनिया के अंदर इनके खिलाफ नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और सबसे बड़ी नफरत की वजह यह है कि इन लोगों ने बच्चों को बहुत ज़्यादा मारा है। यानी वो जो मनाजिर आ रहे हैं उससे पूरी दुनिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमान नहीं, हम एहतजाज में इसलिए शामिल हो रहे हैं कि जब हम मनाजिर देख रहे हैं और वो मनाजिर इतने दर्दनाक हैं जिसकी इंतहा नहीं। देखिए हमास ने बार बार ये बात कही है, उन्होंने कहा कि अगर गैर मुस्लिम सड़कों पर आ रहे हैं, यानी उनका कहने का मतलब है कि मुस्लिम इतने ज़्यादा मुसलमान, आप ये समझ लें कि तंग नज़र हो चुके हैं और मुसलमान इतने बुजदिल हो चुके हैं कि वो किसी भी तर्ज पर इसराइल को रोककर यहाँ पर इमदाद तक करने के लिए नहीं आ रहे। यानी 57 मुल्क, 2 अरब की आबादी, 200 करोड़ मुसलमान, और आप लोग सिर्फ 90 लाख लोगों का मुकाबला भी नहीं कर पाते। अगर ये सूरत हाल है तो फिर आप बता दें कि अल्लाह ने आपके दिल में बुजदिली डाल दी है, आप लोग लड़ने के काबिल ही नहीं है। वो पूरी दुनिया को ये कह रहे हैं कि आप क्यों मदद करने के लिए नहीं आते। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि इसराइल से बड़ी तादाद के अंदर इनखला हो सकता है लोगों का,
और ये जंग अगर बढ़ती जाएगी सारे चले जाएंगे। देखिए उनके पास नेशनलिटीज है, वो चले जाएंगे। अक्सरियत के पास है तो वो क्यों रहेंगे यहाँ पर, जब वो कह रहे हैं कि हम रातों को सोते हमें पता ही नहीं सुबह आकर मिसाइल लग जाए। और अगर हमास के साथ हिजबुल्ला, ईरान और दीगर ताकतें, रूस, चाइना भी इस जंग में कूद पड़ी तो ये सारे के सारे छोड़कर चले जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।